आप लोग देख सकते हो, जैसे ये गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी गाड़ी है सिविक, तो भाई आप लोग ने देख रखी होगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग से पायलट हूं। हमारा एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो चुका है, एप्पल कारप्ले के अंदर आपको काफी सारे फीचर मिले। बाकी आप लोग हेलो गाइस, ब्लॉगर अमन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो हमारी सिविक के ऊपर होने वाली है, जो मेरी खुद की गाड़ी है, सब आप लोग को पता ही है। तो काफ़ी टाइम से आप लोग ने देखा था, मैंने इसके अंदर म्यूजिक सेटअप लगा रखा था, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी टाइम से अपग्रेड नहीं करा था। तो अब जो हम अपग्रेड करने वाले हैं, उसके अंदर हम लगाने वाले एंड्रॉइड, जो हम संचित भैया से लगवाने। कैसे हो भैया? भाई के पास एंड्रॉइड अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो वो सब मैं आपको चेकआउट करा दूंगा। पर्सनली भैया का मैंने देखा था कि यार मेरे फ्रेंड ने लगवाया था, इनसे काफ़ी सही आउटपुट आ रहा था गाड़ी के अंदर। एक होता है कि नॉर्मल एंड्रॉइड लगाने से आपकी गाड़ी का आउटपुट दब जाता है, अगर आपने हाई एंड म्यूजिक सेटअप करा रखा हो गाड़ी के अंदर। बट भैया के पास जो अवेलेबल है, उसके बारे में भैया बताएंगे क्या चीज़ अवेलेबल है और हम क्या अपग्रेड करने वाले हैं गाड़ी के अंदर। हमारे पास सारे मॉडल हैं एंड्रॉइड के, बाकी जो लेटेस्ट है वो है T5 Hi-Fi। इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं जैसे एप्पल कारप्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा आपको, ब्लूटूथ के अलावा और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। क्या बात है, मतलब वो वायर वाला चक्कर भी खत्म सारा। और हमारा जो भी किसी के पास मार्केट में नहीं है, तो हमने फीचर निकाला है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डीएसपी। ये क्या चीज़ है? ये टच डीएसपी होता है, इसमें 32 बैंड मिलेंगे आपको। अच्छा, 32 बैंड इक्वलाइजर जैसे पायनियर के स्क्रीन के अंदर आता है जी। इसमें आपको सबवूफर और सबवूफर आउटपुट भी मिलेगा। क्या बात है, मतलब सारी चीजें हम अंदर ही सेट कर सकते हैं, जैसे सेम पायनियर की स्क्रीन में कर सकते हैं। मेरा जो मेन आज तक ये था कि मैं एंड्रॉइड क्यों नहीं लगाता था अपनी गाड़ी में, इसमें से नहीं लगाता क्योंकि भाई मेरे को ज्यादा ना कस्टमाइज के साउंड के ऑप्शन नहीं मिलते थे। और जैसा आप लोग को पता है, मैं स्टार्टिंग से साउंड काफी हाई एंड लगा के रखा है गाड़ी के अंदर। तो आज भी म्यूजिक सेटअप सेम रहने वाला है, बस आज फर्स्ट टाइम मैं पर्सनली एंड्रॉइड में अपग्रेड करने वाला हूँ। तो देख लो भाई क्या ही चीज़ होगी जब मैं पर्सनली जो चीज़ अपनी गाड़ी में लगवा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो आप लोग देख लेना, मैं चेक कराता हूँ। तो फिलहाल अभी दिखा दो क्या लग रखा है गाड़ी के अंदर। तो पूरा देख सकते हो, जैसे ये गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी गाड़ी है सिविक, तो भाई आप लोग ने देख रखी होगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग से पायनियर यूज करता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। तो ये पायनियर है भाई मेरा, जो कि हमारा AVIC F60 BT मॉडल है मेरा, जो कि बहुत अच्छी डिस्प्ले है, बट इसके अंदर आपको YouTube और इन सब का ऑप्शन नहीं मिल पाते। तो मैं काफी हद तक इससे बोर हो चुका था, मैं कहा यार इतने आज के डेट में जो है भाई सब कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज करते, तो मैंने कहा चलो यार फाइनली अब नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करते। मैंने काफी टाइम तक रिसर्च करी, उसके बाद में जाके इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर फाइनली एंड्रॉइड लगा लेता हूं, जिसमें मेरे को इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो पायनियर के अंदर साउंड के इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो सब वूफर, स्पीकर लेवल और ये म्यूट। और इसके अंदर सबसे खास बात ये रहती है, जो आपका इक्वलाइजर रहता है ये अभी इनेबल नहीं होगा, बिकॉज ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी इसके अंदर इक्वलाइजर जो है आपका, इसके अंदर तो शायद 16 बैंड का है, बट नॉर्मल उसके अंदर 32 बैंड का आपको इक्वलाइजर मिल जाएगा। इसमें आप साउंड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जिस वे का आपको म्यूजिक टेस्ट है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से साउंड को आप ट्यून कर सकते हो, तो वो उसकी खासियत रहती है। बाकी मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। तो भाई सबसे पहली बात, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पर्सनली मैं काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था, मेरे को एंड्रॉइड चाहिए ही चाहिए। तो अब ढूंढ ढांड के मैंने अपनी गाड़ी में एक बढ़िया चीज अपने लिए ढूंढ के निकाली है, जो मैं लगाने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रहेगा, आज की पूरी वीडियो देख लेना भाई। तो ये हमारा पायनियर था, अब इसको बाय बाय करने का टाइम आ गया, बिकॉज इसका लुक भी यार इतना अच्छा नहीं आता। एंड्रॉइड लगाने से अलग ही मजा आता, पूरा से हमने इसके अंदर टीवी लगा दिया LED, बिल्कुल वही वाला मजा आएगा गाड़ी के अंदर, बढ़िया मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो रोड है, वो रहने वाला है वॉलऑप्स कंपनी का, जो कि बहुत बढ़िया चीज है मार्केट के अंदर। भैया ने न्यू इंट्रोड्यूस करा, बट भैया ने ऐसी चीज दी है जो कि आज की डेट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते, बट भैया के हिसाब से मेरे हिसाब से बेस्ट चीज है, क्योंकि मैं इसको एक बार मैंने इसका डेमो देख लिया था, तो मेरे को काफी पसंद आया था क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लगाया था। तो इसकी अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके अंदर रहने वाले हैं। ये अमन, ये है T5 आपका मॉडल, T5 ये आपकी वायरिंग, जिसमें GPS वगैरह चीजें सब ऊपर आउटपुट के लिए वायरिंग, और ये आपका आ जाता है इसमें एंड्रॉइड, ये हमारा एंड्रॉइड रहने वाला है। ये है T5, इसमें गोरिल्ला ग्लास रहता है हमारा, गोरिल्ला ग्लास है इसमें। हाँ। आपको ना टेम्पर्ड लगाने की जरूरत है ना। हाँ। और कुछ जरूरत है और एक और अमन भाई सबसे बड़ी बात, हाँ, इसमें हम 13 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। 13 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाएगी, रिप्लेसमेंट क्या बात है, तो मतलब 13 महीने तक कोई भी दिक्कत आएगी इसके अंदर आप सीधा प्रोडक्ट रिप्लेस करके दोगे, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट की गारंटी है। अब ये नहीं आप इस पे पानी डाल दो और फोड़ फाड़ के लेकर आ रहे हो, उसमें कोई वारंटी नहीं है, उसमें कोई वारंटी नहीं है। वैसे अगर कोई जेन्युइन इशू है, मैं इतना श्योर हूँ अपने प्रोडक्ट को लेके कि मैं रिप्लेसमेंट ही देता हूँ, रिप्लेसमेंट देता हूँ। मतलब अगर रिप्लेसमेंट वारंटी आप दे रहे हो, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट इस हिसाब से रिलायबल है कि उसमें दिक्कत आएगी ही नहीं इन फ्यूचर। अब ये है 9 inches, 9 inches है आपके में लगेगा, 10 inches मेरे में 10 लगेगा। एक बार उसकी अनबॉक्सिंग, सिविक का जो फ्रेम है भाई बहुत बड़ा है, और जहां तक है कि भाई इतनी बड़ी, मतलब ये यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद पूरा मतलब एक अलग ही लेवल का लुक चेंज हो जाएगा गाड़ी का और पूरा मजा आ जाएगा। तो वो मैं आपको सब चेकआउट करा दूंगा अभी। एक और इसमें फ्रेम, जो भी कभी आप लगवाओ, आप मेरे से लगवाओ किसी और से लगवाओ, हाँ,
ये इम्पोर्टेड फ्रेम है, इम्पोर्टेड फ्रेम है, इसमें इंडियन फ्रेम भी आता है। हाँ। उसकी क्वालिटी लेस होती है, क्वालिटी लेस होती है। देखो सेम एज ओरिजिनल रहता है। देखो जैसे ये लग रखा है, ये गाड़ी का ओरिजिनल है जो कार के साथ आता है। ये भी आफ्टर मार्केट था बट ये फ्रेम भी इम्पोर्टेड वाला है, तो आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको पता नहीं लगेगा कि अलग है। इधर भी आप लोग इसको मैच कर सकते हो, देख लो बिल्कुल सेम है। अभी देखो लगे थोड़ा पुराना होगा तो उसकी क्वालिटी डल हो गई, ये बिल्कुल न्यू है, तो न्यू के हिसाब से बिल्कुल बाकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है हमारी। बिल्कुल भैया, हाँ जी, क्या बात है। तो बाकी अब हम इसको दिखाते हैं आपको, हम क्या फाइनली अपनी गाड़ी के अंदर लगाने वाले हैं। ये है 10 inches आपका, हमारा 5555 विद टच DSP जिसमें आपको एप्पल कार प्ले भी मिल जाता है। क्या बात है, मजा आ जाएगा बिल्कुल इसके अंदर, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का तो मैं वीडियो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। मेन बात होती है बंदे लगाते हैं वीडियो के चक्कर में, यूट्यूब चला पाए इसके अंदर। YouTube भी आपका इसमें, आप कोई वैसे वीडियो इंस्टॉल करके चला सकते हैं, डाउनलोड करके चला सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें आप अपना YouTube, Facebook बिल्कुल Android ही है पूरा, मतलब मोबाइल फोन इसके अंदर आप ऑपरेट कर सकते हो अपना, सेम वो चीज है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ड्राइविंग के टाइम पे आप ये सब करो, गाड़ी पार्क्ड है, बैठ के आप लोग कहीं पे एंजॉय कर रहे हो तो आराम से इसको यूज कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया चीज है। चलो अब इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं फटाफट से, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या रहेगा फटाफट। मेरे को भी बहुत जल्दी हो रही, जल्दी से गाड़ी के अंदर लगे और देखने में देगा कि लुक आएगा, तो देखते हैं पूरी वीडियो। तो भाई अब जो है हमारी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, तो टीटीटी की आवाज बहुत बुरी लगती है सिविक में, तो इधर फिलहाल आप लोग देख सकते हो हमारी पाइनियर वाली स्क्रीन को खोला जा रहा है, और इसके बाद अब इसके अंदर हम एंड्रॉइड लगाएंगे। हमारा 7 inches फ्रेम था, अब इसके अंदर हमारा 10 inches वाला एंड्रॉइड का फ्रेम इंस्टॉल करेगा, उसके बाद हमारा स्टीरियो लगेगा। तो काफी ज्यादा वायरिंग का जंजाल हुआ पड़ा, क्योंकि इतना जब हैवी सिस्टम लगा के रखते हो गाड़ी के अंदर तो जंजाल फैलता ही फैलता है। तो बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे कैसे रहने वाला है, तो देख लेना। और मैं आपको फाइनल जो है मेन आपका जो है इंस्टॉलेशन नहीं है, मेन जो है हमारी वो इसका आउटपुट दिखाना, तो उस पे चलते हैं सीधा। तो फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ चल रहा है इंस्टॉलेशन, बाकी आप लोग देख सकते हो हम कपलर टू कपलर करते हैं काम सारा का सारा, जो फिटिंग होती है हमारी। बाकी इस साइड आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैंने तो भाई बहुत सारी इसके अंदर पहली कटिंग कर करके बढ़िया बेमिसार गाड़ी को काट काट के बढ़िया बना रखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरी पुरानी गाड़ी थी तो मैंने इतना सोचा नहीं। बाकी जो न्यू कार होती है भाई वो लोग सोचते हैं कि वायर कटिंग होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो हर चीज डायरेक्ट कपलर टू कपलर प्लग एंड प्ले, यहाँ थोड़ा सी बसूड़ी हो जाती है अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो, जैसे मैंने काट काट के तारों का बुरा हाल करवा रखा है, तो यहाँ पे ज्यादा बसूड़ी होती नहीं, सीधा काम होता है। जो फाइनली हमारा जो इसका इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है भैया, नेक्स्ट लेवल चीज है, बहुत बढ़िया लगी मेरे को पर्सनली, बहुत मजा आ रहा है। मतलब गाड़ी के अंदर एक तो सिविक के अंदर तो ना कुछ अलग ही लुक मारता है, एंड्रॉइड लगने के बाद देख लो भाई पूरा ना अलग ही लग रहा है, कि पता नहीं क्या ही लगा दिया गाड़ी के अंदर, लग रहा है पूरा का पूरा LED TV लगा दिया उसके अंदर उठा के, तो कुछ इसी टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा है, इसका UI बहुत फ्रेंडली है ये देख सकते हो आप, और सबसे बड़ी बात है इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा स्मूथ है, देख सकते हो जैसे हमारे मुसाफिर भैया करते हैं ना 3 finger, ये देख लो 3 finger में बहुत बढ़िया टच रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा, एक नंबर चल रहा है। बाकी काफी सारे फीचर्स इसके अंदर, तो वो भैया हमें एक्सप्लेन करेंगे भैया क्या क्या इसके अंदर हमें मिल जाता है इसके अंदर ऑप्शंस, वो बता दो एक बार। ये अमान भाई सबसे ज्यादा फीचर लोडेड इस टाइम पे एंड्रॉइड है सबसे ज्यादा, ये सिर्फ आपको वॉल ऑफ्स में मिलेगा। हाँ। तो फीचर मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक तो टच डीएसपी सबसे ज्यादा मेन जो बिजी में नहीं है, टच डीएसपी, ये हमारा टच डीएसपी वाला फीचर, ये इक्वलाइजर पे आके ये आ गया आपका टच डीएसपी। क्या बात है, अच्छा जैसे पाइनियर में आता है फिंगर टच वाला। हाँ जी, क्या बात है, ये अभी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वॉल ऑफ्स पे मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये मार्केट में सबसे पहले हमने निकाला। क्या बात है, ये डीएसपी और ये एएसपी क्या चीज है वाला जो फीचर है, इस पे जो आप अपने फिंगर से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, पर यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल मोड आ जाता है जहाँ पे अपने हिसाब से आप हर्ट्ज को सेट कर सकते हो, जैसे ये स्टार्टिंग के 2-3 हमारे बेस के रहते हैं, बीच वाले मिड के रहते हैं और राइट साइड वाले हमारे ट्रेवल के रहते हैं, तो इससे आप अपने ट्रेवल को एडजस्ट कर सकते हो, इससे जो है आप अपना डीएसपी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देख लो जैसे कि ये फिंगर मेरे को थोड़ा बहुत आता है इसके बारे में, तो देख लो नीचे और यहाँ से अप डाउन फिर ये ट्रेवल अप, थोड़ा कुछ इससे थोड़ा साउंड लेवल बढ़िया हो जाएगा गाड़ी के अंदर। तो ये आप लोग ने देख लिया, इस तरीके से आप अपना साउंड को एडजस्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा आप चाहो। और एक इसमें सबवूफर आउटपुट है, अगर आपको अपना सबवूफर अपने हिसाब से सेट करना है तो आप ये बिल्कुल ऑफ कर दिया। हाँ। लो जैसे आपको जैसे सूट करे, जैसे सिस्टम है उसके हिसाब से आप अपना, आपको कम रखना है सबवूफर आउटपुट, बंद करना है, बंद करना है लो पे, मीडियम पे, स्ट्रॉन्ग पे, सब कुछ टोटली एडजस्टेबल है। क्या बात है, मतलब बिल्कुल पाइनियर की तरह अपने सबवूफर जैसे आपको ऑप्शन रहता है उसी तरीके से अपने सबवूफर कंट्रोल कर सकते हो, सराउंड है इसके अंदर, लाउडनेस है और काफी सारी चीजें, तो वो सब मैं आपको यूज करके बता पाऊंगा। तो चलाते पहले इसमें आपको आउटपुट सुनाते किस टाइप का आउटपुट हमारा इसके अंदर आ रहा है। जैसे आपने पाइनियर मैंने लगा रखा था तो आपने पहले का आउटपुट सुना ही है हमारा, अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तो दिखाते हैं आपको किस तरीके से आउटपुट सुन लो, क्योंकि जो एंड्रॉइड लगाने के बाद सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है बंदों की कि हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, हमने इसके अंदर कोई हाई लेवल इनपुट हमने नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट इसके अंदर जो आपका ऑप्शन रहता है आउटपुट का उसके अंदर हमने RCL केबल लगाकर डायरेक्ट हमने एम्पलीफायर को प्ले करा है,
आरसीआओ कई बंदे क्या करते हैं इसके अंदर फोर चैनल कन्वर्टर लगा देते हैं, कन्वर्टर लगाने के बाद आउटपुट मिलता है, बट इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार आउटपुट सुन लो, मैंने तो सुन लिया, अब आपकी बारी है। तो देखो क्लैरिटी अलग ही आ रही है, तो ये सुनो। आपको कैसा लगा भैया ये पूरा वॉल ऑप्स जो है, ये आपने एंड्रॉइड में जैसे आपने बताया सबसे ज्यादा दिक्कत आउटपुट की आती है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए ज्यादा होते हैं, पर वॉल ऑप्स पे आपको ये ऑडियो पर्पसेस के लिए भी मिलेगा। अगर आपको अपना ऑडियो परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए तो आप वॉल ऑप्स के लिए जा सकते हैं। क्या बात है, मतलब एंड्रॉइड के अंदर आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते, बट इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। और ऑडियो आपने चेकआउट कर लिया, जैसे आप लोग को पता है मैं कितना हैवी सेटअप मेरे अपनी गाड़ी के अंदर लगा रखा है, तो मेरे को उसके लिए चाहिए था हाई एंड स्क्रीन, तो ये मेरे को परफेक्ट सोल्यूशन मिल गया। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लग गया हमारा, मजा आ गया इसके अंदर, नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट फीचर आपको इसका मैं दिखा दूं, जो कि हमारा एप्पल कारप्ले है, जो कि वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो मतलब भाई और क्या ही लोगे। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस रेंज, तो सुन के तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो अभी एप्पल कारप्ले देख सकते हो, हमारा एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो चुका है। एप्पल कारप्ले के अंदर आपको काफी सारे फीचर मिले, बाकी आप लोग को पता होगा एप्पल कारप्ले होता क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, तो ये देख लिया आपने, ये हमारा एप्पल कारप्ले का कुछ इंटरफेस होता है, जो कि वो भी आपको इसके अंदर प्री लोडेड मिल जाएगा। तो मतलब भाई क्या ही लोगे, बहुत बढ़िया चीज है, पर्सनली मजा आ गया मेरे को यूज करके। तो अभी आज डे वन ही है, बाकी तो आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देख ही सकते हो मैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है, क्या मजा आ रहा है इसको यूज करने में। तो उसके अलावा मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूजर नेम यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी भैया पर्सनली बहुत अच्छा लगा मेरे को, मजा आ गया। एप्पल कारप्ले के थ्रू भी म्यूजिक प्ले होता है हमारा, सब कुछ होता है। वायर्ड कारप्ले भी है ना इसके अंदर, वायर्ड भी है और सबसे बड़ा अनवायर्ड है, जैसे आप इसमें चेक कर, वायरलेस, कोई वायरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ इससे कनेक्ट। क्या बात है, तो ये सारे फीचर इसके अंदर आपको हमारे मिल जाएंगे। तो ये था ओवरऑल, बाकी पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो भैया अब फाइनली आ जाते हैं हमारा इसका बजट के ऊपर, तो किस बजट के अंदर हमें ये मिल जाएगा, क्या प्राइसिंग इसकी आपने रखी है विद फ्रेम इंस्टॉलेशन के साथ। ये बड़ा बजट फ्रेंडली सिस्टम रखा है, ये आप इसमें अगर TS7 के लिए जाते हैं तो उसकी रेंज कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है 8000 से, और आप बिल्कुल टॉप वेरिएंट पे जाते हैं जैसे ये है आपका, इसमें ये आपका 15000 के आसपास, 15000 का। क्या कार टू कार डिपेंड करता है, विद फ्रेम एंड इंस्टॉलेशन वाला प्राइस हमने बताया, दोबारा फ्रेम भी इंपोर्टेड, कपलर टू कपलर फिटिंग, क्या बात है, कहीं पे भी कटिंग, और बहुत बढ़िया हमारे जो फिटिंग स्टाफ है वो बहुत बढ़िया है। बाकी इधर आपने चेकआउट कर लिया इसका इंटरफेस, ये 10 इंचेस वाला है, टॉप मॉडल है, सबसे टॉप मॉडल हमने इसके अंदर यूज करा है, अभी इस टाइम पे सबसे टॉप है, सबसे ज्यादा फीचर लोडेड है मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा। और ये हमारे 10 इंचेस वाले का प्राइस कितना रहेगा, 10 इंचेस का आपका 500 डिफरेंस आता है। अच्छा 500 का, बस ज्यादा नहीं है, 500 का डिफरेंस है, तो ये 15,500 रुपए करीब आपको पड़ेगा, और बहुत बढ़िया चीज है, और इस लेवल की कॉम्पिटिटर कोई मार्केट में नहीं है। अगर आप, बाकी मैं किसी ब्रांड का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, बाकी बहुत बढ़िया है, पर्सनली बहुत अच्छा लगा मैंने। तो भैया बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक भी आगे के लिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका प्रोडक्ट, बहुत दिल से आपने बनाया, और बाकी मैं जानता हूँ मेरे सब्सक्राइबर लोग भी बहुत सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज भैया के प्रोडक्ट को सपोर्ट करना, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बार यूज करके देखो भाई, पहले आओ यूज करो उसके बाद पेमेंट करना। और दोबारा मैं बता रहा हूँ, मेरे को अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है, मैं आपको 13 मंथ्स, कोई एक साल की देता है, मैं 13 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी, अगर आप कुछ भी थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, फिजिकल डैमेज के अलावा कोई भी दिक्कत आती है, आपको रिप्लेसमेंट करके मिलेगा। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे कोई भाई तो हो सकता है, हमारा पॉसिबल है, मेरा इंस्टाग्राम आपका हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया डिलीवरी आपको मिल जाएगी, और सारे फीचर्स के साथ आपको ये एंड्रॉइड एज इट इज आपके स्टेट में मिल जाएगा, जहाँ पे आप चाहो वहाँ पे अपने हिसाब से आप भैया वीडियो कॉल पे इंस्टॉलेशन भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी ट्रस्टेड है, बहुत बढ़िया है, और मजा आ गया इसके अंदर। बाकी आउटपुट भी आप लोगों ने सुन लिया, मेन जो प्रॉब्लम आती है हमारे साउंड लवर्स के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, एक नंबर मजेदार। तो भाई थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, बाकी अब यूज करेंगे इसे, मजे से वीडियोस देखेंगे इसके अंदर। ओके भाई आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है भाई बहुत जल्दी मैं कार लेकर और लेकर आने वाला हूँ, उसके अंदर भी यही प्रोडक्ट यूज करेंगे। मैं पायनियर भूल गया भाई आज। ठीक है भाई, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।